जब यीशु प्रार्थना कर चुकल रहा तब आपन चेला लोग के साथ बहरे गएल और किद्रोन नदी के हबड़ा भेल। हुआ ढेर फल के पेड़ के जगह रहा और उ सब हुआ गएल। यीशु और ओकर चेला लोग हुआ हरदम जात रहा, ओही से चुगलखोर यूदास उ जगह भी जानत रहा। तब यूदास एक झुनसुर जाति और बड़का अगवन के सिपाही और फारीसी लोग के कम करतन के लेके हुआ भी गए। वो लोग अपने साथ चिराग लुकारा और हथियार ले इस रहा। यीशु जानत रहा कि ओकरे साथ का होई और वो लोग के लगे जाए के पूछिस, तो लोग के खोजे है? तब वो लोग बोलिस, नाजारेत के यीशु के। तब वो बोलिस, हम बाटी। चुगलखोर यूदास वो लोग के साथ थरा रहा। जब यीशु बोलिस कि हम बाटी, तब वो सब चौक के पच्छर के जमीन पर गिर गए। तब वो फिन पूछिस, तो लोग के खोजे है? तब वो सब दूसरा दफे बोलिस, नाजारेत के यीशु के। तब बोलिस, हम तो लोग से बोली कि हम बाटी, जब तू लोग मांगे है हमें पकड़े तब हमार चेला लोग के जाइन दे। ऐसे ही ओकर बात पूरा भेल। उ तो आपन बाप से बोलिस रहा कि जेके आप हमें सौंप दे ले रही ले हम उस सब के रखवाला कर ली। इतने में सिमोन पेत्रस आपन तलवार उठाई के एक मनई के दहीना कान काट के निकाल लीस। वो आदमी सबसे बड़का अगुआ के गुलाम रहा और ओकर नाम मलकस रहा। बाकी यीशु पेत्रस से बोलिस, ना कर, वो तलवार धर दे। तू सोचे है कि हम आने वाला दुख छोड़ के मांगीला भागे? पिता परमेश्वर तो मांगे है कि हम ई दुख सही। तब सुरजाती लोग और उस सब के बड़कुआ और इसराइल के धर्म के बड़कुअन के रखवालन ओके पकड़ के और हाथ बांध दीस। तब उ सब पहले ओके अनास नाम के बड़का अगुआ लगे ले गए। अनास कायाफास के ससुर रहा और उ टेम पर कायाफास सबसे बड़का अगुआ रहा। ओही धर्म वालन से पहले बोलिस रहा कि बेस्तर रही कि एक जने मरे और ना सब जनता नाश होवे।